अबर मुझे तो लगा था जब तक तुम्हारे घर में फंक्शन चलता रहेगा हम मिल ही नहीं सकेंगे। हाँ बिजी तो मैं बहुत ज्यादा थी, लेकिन देखो जैसे टाइम मिला मैं आ गई। तो अच्छा हुआ ना। आई विश जिस तरह आज तुम्हारा भाई नहीं आया ना, इस तरह तुम्हारी बहन भी ना आए हमारे साथ वॉक पे। भाई तो बहुत दिन तक नहीं आएंगे, लेकिन सुम्बुल का मैं कुछ कह नहीं सकती। पता नहीं आज वो क्यों नहीं उठी। अच्छा है ना कि वो नहीं उठी। अम्बर तुम जानती हो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तुम्हारे भाई की जल्दी शादी हो गई ना, इस तरह तुम्हारी बहन की भी शादी हो जाए ताकि हमारा नंबर आ जाए। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे चेहरे पे क्या बेवकूफ लिखा हुआ है? मैं ऐसी बेवकूफ लड़की नहीं हूँ जो मैं इतना बड़ा बेवकूफाना डिसीजन ले लूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करूंगी, प्लान्स है मेरी जिंदगी के कुछ, उसके बाद जाके शादी करूंगी। समझे? संबंध तो प्यारा है ना। आगे चले आ जाओ। प्लीज चुप हो जाए, पानी पिया प्लीज। क्या कहा है अब्दुल्ला भाई ने, कब तक लेकर जानी है मैं? असर का कह रहे हैं। सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं निशा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे से सैलून कौन जाए। देखो मेरी कोई बहन नहीं है, नहीं तो मैं उसे साथ ले जाती। तुम चलोगी ना मेरे साथ? मैं जरूर चलती नेहा, मगर एक ट्रेजेडी हो गई है, अम्मी की फर्स्ट कजन की डेथ हो गई है। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने यही बताने के लिए तुम्हें कॉल की है कि मैं तुम्हारी बारात पर नहीं आ सकूंगी नेहा। अच्छा इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम अपना बहुत ख्याल रखो और आंटी को भी मेरी तरफ से तसल्ली देना। ठीक है मैं फिर कॉल करूंगी। चलें